दोस्तों आईटी मिनिस्ट्री ने वॉर्न कर दिया है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म या कह लो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि कोई भी फ्रॉड लोन ऐप्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाएगा। अब आप कहोगे यार वो कैसे डिटेक्ट करेंगे कि भैया ये जो एडवर्टाइजमेंट हम चला रहे हैं वो फ्रॉड लोन ऐप की या फिर जेन्युइन लोन ऐप की है, तो भैया वो चेक करना उन्हीं का काम होगा, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, या फिर मतलब ट्विटर को तो एक्स बना दिया है, या फिर इंस्टाग्राम हो, वो उनका फ़र्ज है कि वो चेक करें कि ऐप जेन्युइन है या नहीं है। क्या होता है कि कई सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ये अपनी वीडियो के अंदर बात करने लग जाते हैं कि लोन ले लो, ये लोन दे देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। भैया उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो चेक करें जो भी एप्लीकेशन की वो एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं, उन्हें पैसा तो मिल रहा है अच्छा खासा, लेकिन सामने वाले जो व्यूअर उनको देख रहे हैं और उनको देखने के बाद में वो वहाँ से लोन वगैरह लेके फंस जाते हैं, तो वो जिम्मेदारी उनकी भी है। और इन द एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी, भैया तुम्हारे प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट चली तो चली कैसे, तो उनको देखना होगा कि RBI अप्रूव्ड ऐप है या नहीं है अगर वो एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, और अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उसको भी देखना पड़ेगा इस तरीके की चीज़ों को, वरना भैया वो फंस जाएंगे। तो बैकग्राउंड चेक करना एक मैंडेटरी है, या फिर मैं तो कहूंगा कि भैया इन लोन ऐप्स की एडवर्टाइजमेंट करो ही मत अगर आपको चेक करना आता ही नहीं उनका बैकग्राउंड। दोस्तों जितने भी स्कैमर होते हैं या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने वाले लोग होते हैं वो अक्सर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो जो सिम ले रहे होते हैं वो किसी और की आईडी के ऊपर लेते हैं, जिससे कि वो अपनी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसको चालू रखते हैं, और उसके बाद में जब वो नंबर फंस जाता है तो उस नंबर को जिस आईडी पे खरीदा होता है उस आईडी तक पुलिस पहुंच जाती है, उनके घरों पर पहुंच जाती है, और उसके बाद में वो बंदे फंस जाते हैं जिनकी आईडी पे ये सारा स्कैम हो रहा होता है। मतलब उनको जवाब देना पड़ जाता है कि सर ये तो नंबर मेरा था ही नहीं, ये पता नहीं किसने मेरी आईडी पे ले रखा है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ से बचने के लिए आपको sancharsarthi.gov.in पर जाना होगा। इससे आप चेक कर सकते हो कि आपकी गवर्नमेंट आईडी के ऊपर या आधार कार्ड के ऊपर कितने सिम एक्टिवेटेड हैं, और अगर कोई ऐसा सिम है जो कि आपकी जानकारी के बगैर चल रहा है तो उसको आप डीएक्टिवेट भी फिर करवा सकते हो। तो इस वेबसाइट का मतलब मुझे आज ही पता लगा था तो मैंने सोचा शेयर कर दिया जाए आपके साथ। दोस्तों आपके साथ में कई बार ऐसे हुआ होगा कि आप कहीं पर घूमने जा रहे हो या फिर कहीं घूम रहे हो और आपको तुरंत ही एक फोटो कैप्चर करनी है और वो सीन तुरंत ही निकल सकता है, लेकिन होता है क्या आप अपना मोबाइल जेब से निकालते हो, उसको अनलॉक करते हो, उसके बाद में कैमरा ओपन होता है, फिर आप वो फोटो क्लिक करते हो, इतने में वो सीन निकल चुका होता है। लेकिन एप्पल ने अब इस तरीके की चीज़ों को टैकल करने के लिए भी अपने आईफोन 16 सीरीज के अंदर एक कैप्चर बटन ऐड करने का सोचा है, जिससे कि आप मतलब बटन दबाते ही वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, इमेज कैप्चर कर सकते हो, मतलब वो सीन आपसे मिस नहीं होगा। ये एक तरीके का शॉर्टकट बटन होगा जिसको आप इमेज पे या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग पे सेट कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आप कहीं भी जा रहे होगे तो आप वो सीन मिस नहीं कर पाओगे, सीधा ही डायरेक्ट दबाया और वो कैप्चर हो जाएगा। मतलब इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा कि पहले अनलॉक किया, उसके बाद में कैमरा खोला, फिर इमेज कैप्चर का बटन दबाया, तो इतना कुछ लंबा प्रोसेस नहीं, सीधा ही क्लिक। और ये एक तरीके से जैसे कि DSLR या कैमरे वगैरह होते हैं छोटे टाइप के, उसकी तरह भी काम कर सकता है कि आपने लैंडस्केप मोड में डाला इसको, उसके बाद में क्लिक कर दी फोटो जिस तरीके से आप कैमरा से करते हो। दोस्तों चाइना ने दुनिया का सबसे पावरफुल रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन तैयार कर दिया है जो कि 16 मार्च तक जा सकता है, यानी कि 19,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड ये जनरेट कर सकता है, और ये फ्यूल भी बहुत कम कंज्यूम करेगा, जिससे कि इनकी इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट सिर्फ एक घंटे से भी कम में हो सकती है। मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाना हो तो इनको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। बीजिंग पावर मशीनरी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने तैयार किया है इंजन, और इसके अंदर ड्यूल मोड है, मतलब एक मोड इसमें ऐसा भी है जिससे कि ये सब मार्च 7 मोड में भी जा सकता है, मतलब कि मार्च 7 के आसपास में ये चलेगा। मतलब स्पीड को यार कैलकुलेट कर लो, करीबन शायद 7-8,000 किलोमीटर पर आर की होगी, मतलब कि ये कम स्पीड में भी उड़ सकता है और उसमें कम फ्यूल भी लेगा, और ये एक्सट्रीम स्पीड में भी जा सकता है जो कि दुनिया की सबसे तेज स्पीड हो सकती है, लेकिन उतना ज़्यादा फ्यूल ये फिर भी नहीं लेने वाला। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है पडल्या, वहाँ पर एक पत्थर मिला था कई सालों पहले और उसकी कई लोग मतलब मान्यता भी रखते थे, लेकिन अब आर्कियोलॉजिस्ट को मालूम चला है कि वो पत्थर दरअसल 175 मिलियन साल पुराना टाइटनोसॉरस स्पीशी का एग था, मतलब कि वो एक डायनासोर का एग था जिसकी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मान्यता थी। लेकिन अब उस एरिया को जब पूरी तरीके से सर्च किया गया आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा तो मालूम चला कि यहाँ पर ऐसे 250 और फॉसिल्ड एग मौजूद हैं जो कि सिर्फ टाइटनोसॉर्स के थे, जो कि 175 मिलियन साल पहले रहते थे उस जगह पर। दोस्तों अभी 4-5 महीने पहले कुल्लू मनाली या कह लो पूरे हिमाचल के अंदर जो मॉनसून की स्थिति चल रही थी उसमें जो डिजास्टर देखने को मिला था वो आप सभी को मालूम होगा कि किस तरीके से कुल्लू मनाली या
जो मतलब नेशनल हाईवे था वो गायब हो चुका था, इस तरीके की सिचुएशन थी। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको किसी तरीके से दोबारा तैयार करके लोगों के आने जाने की व्यवस्था कर दी। लेकिन उसका नतीजा ये देखने को मिला कि सिर्फ एक दिन के अंदर एक भारी टूरिस्ट का सैलाब वहाँ पहुँच गया। मतलब 125,000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे सिर्फ एक दिन के अंदर पहुँचे, क्योंकि भैया उनको देखनी थी बर्फ़। और 90% होटल की ऑक्यूपेंसी हो चुकी थी, मतलब कि आप किसी भी होटल के अंदर जाओगे वहाँ पर कोई कमरा ही नहीं मिलेगा। और जिनके पास में कमरे होंगे उनकी औकात अगर 1,000 रुपये पर डे की होगी तो वो 6,000 से 8,000 रुपये मांग रहे हैं सिर्फ एक रात बिताने के। मतलब कि सुबह 10 बजे आपको चेकआउट करके निकल जाना होगा, वरना आप दोबारा से इतने ही रुपए दो अगले दिन के लिए। तो इस तरीके की स्थिति थी। और ऊपर से कई सारे टूरिस्ट पुलिस को ऐसे भी मिले जो कि ड्रंक हो रखे थे। मतलब सिचुएशन को अगर आप थोड़ा सा समझना चाहो कि अगर आप 2020 से पहले देखोगे तो टूरिस्ट इतने ज़्यादा जाते नहीं थे वहाँ पे, मुश्किल से कुछ हज़ार टूरिस्ट जाते थे। लेकिन अब एक दिन के अंदर लाखों टूरिस्ट पहुँच जाते हैं। ये हिमालय का एक इकोलॉजिकल डिज़ास्टर है, क्योंकि जिन जगहों पर कुछ ही लोग रहा करते थे अब वहाँ पर पूरा सैलाब है टूरिस्ट का, जो कि एक अच्छी बात भी हो सकती है वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन एक बुरी बात ये हो सकती है। क्योंकि अगर आप घूमने फिरने जाते होगे पहाड़ों पर तो आप देखते होगे वहाँ पर प्लास्टिक कचरा कूड़ा हर जगह फैला हुआ आपको मिलेगा। बेशक से वो बहुत ही खूबसूरत जगह होगी, लेकिन उस खूबसूरत जगह के अंदर भी आपको प्लास्टिक वेस्ट देखने को मिल जाएगा, चाहे वो बर्फ पिघलने के बाद में देखो या बर्फ के ऊपर जमे हुए देखो। तो इस तरीके की सिचुएशन बन चुकी है टूरिस्टों द्वारा, क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हो, चाहे आप वैष्णो देवी घूमने जाओ, चाहे आप केदारनाथ जाओ, आपको हर जगह पर अब प्लास्टिक वेस्ट पहाड़ों पर मिलने ही मिलने वाला है। तो यही है हिमालय का इकोलॉजिकल डिजास्टर।